प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण उत्तरकाशी दौरे पर गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री गंगोत्री धाम में रक्तवन ग्लेशियर और अन्य तीन पर्वत चोटी पर आरोहण हेतु जा रहे पतंजलि आयुर्वेद निम IMF के संयुक्त अभियान दल को फ्लैग ऑफ किया। बाबा रामदेव ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राज्य बनाने की भी बात कही। आपको बता दें कि 42 साल के बाद रक्तवन ग्लेशियर पर यह टीम आरोहण करेगी। वहीं 1981 के बाद आज तक रक्तवन की किसी भी टीम ने आरोहण नहीं किया। रक्तवन आरोहण की ऊंचाई 23,000 फीट है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद निम IMF के संयुक्त अभियान दल इन चोटियों पर आयुर्वेद जड़ी बूटियों की खोज करेगा। सबसे पहले इंडो फ्रांस अभियान दल ने 1981 में रक्तवन पर चढ़ाई की थी। ये टीम रक्तवन अभियान को पूरा नहीं कर पाई। अब 42 साल बाद संयुक्त अन्वेषण अभियान इन चोटियों पर आरोहण करेगा। इस टीम में 10 सदस्यों का दल होगा। 15 दिन के लिए ये टीम पर्वत श्रृंखला पर औषधि की खोज करेगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जाना भी संभव नहीं होता है कुछ और। उत्तराखंड विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक राजधानी बने, फ्यूचर डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी ये उत्तराखंड बनेगा और वो इतिहास उत्तराखंड में लिखा जाना प्रारंभ हो गया है। और हेल्थ टूरिज्म, आयुर्वेद टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी विश्व का सबसे बड़ा केंद्र ये उत्तराखंड बनेगा और इसमें जो पतंजलि क्या होती है वो हम डालेंगे। रक्तवन ग्लेशियर पर अगले 15 दिनों तक एक अभियान दल अन्वेक्षण दल जो आचार्य बालकृष्ण जी के सामिध्य में उनके नेतृत्व में 10 दिनों तक इस दुर्लभ हिमालय की चोटियों पर एक शोध का काम करेगा, एक खोज का काम करेगा जो हमारे उत्तराखंड को आने वाले समय में आज के दिन से ही जो भारत की नहीं पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे।